द यंगस्टर्स का. ऐसे कई कैरेक्टर्स होते हैं, वो टेलीविजन के हों, फिल्म्स के हों, जो बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं हमारे जहन में, हमारे दिलों में. और ऐसे ही एक शख्सियत आज हमारे साथ है जिनके हम एक्टिंग स्किल्स की बात करें या उनके परफॉर्मेंस की बात करें, ही इज़ टेरिफिक एंड ही इज़ इनक्रेडिबल. हेमन पांडे जी हमारे साथ है. कैसे हैं पांडे जी आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ सर. इंदौर में आए, इंदौर हमेशा से ही इट्स अ प्लेस ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट पीपल. सो कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके एंड यू नो मीटिंग सम रियली टैलेंटेड पीपल ओवर हियर? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि मुंबई में भी यहाँ का इंदौर का फ्लेवर हमें देखने को मिलता है. थिएटर के काफ़ी एक्टर वहाँ पर हैं, फिल्मों में, सीरियल्स में काम करने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं. तो इंदौर का फ्लेवर तो ये है कि अपने लाइफ का हिस्सा हो चुका है. क्या बात है, क्या हमारे बोलने के तरीके और ये सब बड़े अलग होते हैं. हम लोग कर रिया है, जा रिया, आ रिया, काफ़ी बोलते हैं. सर आपको बहुत साल हो गए इंडस्ट्री में, टीवी में, टेलीविजन में, फिल्मों में, आपने बहुत रोल्स कर लिए हैं. जब आपने स्टार्ट किया था तो वॉज दिस द पॉइंट यू वॉन्टेड टू रीच इन योर लाइफ एंड यू स्टार्टेड, यू थॉट ऑफ दैट कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे, मतलब जब इनिशियली आपने शुरू ही किया था? मैंने ऐसा सब सोचा ही नहीं था. मैं क्योंकि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का, लास्ट बॉर्डर है इंडिया का. जी. वहाँ से एक तिब्बत जाता रास्ता, एक चाइना, एक नेपाल, एक आता इधर. क्या बात है जी, दिल्ली. तो मैं दिल्ली आ गया और उस वक्त मैं जब घर से निकला था तो तब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था जी, DD1 दूरदर्शन. तो हम सोचते थे कि वहाँ उस वक्त समाचार पढ़ा करते थे, शम्मी नारंग, शोभना जगदीश, और उस वक्त जो सीरियल आते थे उसमें हमको लगता था कि एक बार टीवी पे आ जाऊँ, मज़ा आ जाए. तो मैं वो सपना लेकर के घर से निकला था कि ज़्यादा सोचा नहीं था, टीवी में आने की इच्छा थी. वो आज से 25, 27, 28 साल पहले वो पूरी कर दी ऊपर वाले ने. तो उसके बाद फिर असली शुरुआत फिर उसके बाद हुई. सर एज यू सेड कि आपको बस टीवी पे आने की इच्छा थी और ये पैशन आपका प्रोफेशन में टर्न हुआ. एक्टिंग स्किल्स इतनी उम्दा, वॉज दैट फ्रॉम योर चाइल्डहुड यू वर इन टू दिस एक्टिंग फील्ड, थिएटर्स एंड ऑल, दैट्स द रीज़न आप इतने इन डेप्थ एक्टिंग को एनालाइज करते हैं और आप उस कैरेक्टर को पूरी नफ्स पकड़ लेते हैं उसकी एंड आप उसको जीते, आप स्क्रीन पर उसको जीते हैं? देखिए ये कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान. तो उसमें उसका उदाहरण मैं हूँ. मैं गांव से निकला था, मुझे कुछ आता नहीं था और मैं जब महानगर में आया दिल्ली में आज से 28-27 साल पहले, तो वहाँ मुझे बोला ओए व्हाट इज योर नेम, तो मुझे लगता हे भगवान यही तो वो आदमी तो नहीं जो मेरा भविष्य बनाएगा. तो मुझे अपने अलावा हर व्यक्ति में ये अपनी संभावनाएं दिखती थी कि ये मेरा भविष्य बना सकता है. हाँ ऐसा महसूस होता था क्योंकि इतने लोग कभी नहीं देखे थे, महानगर कभी नहीं देखा था. लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप कोई चीज़ करते हैं तो उसकी पॉलिशिंग होनी ज़रूरी होती है, चाहे वो बढ़ई का काम हो, काश्तकारी का काम हो, सीमेंट का तगार, मसाला लगाने का जो काम हो. जब आप उनको देखते हैं मिस्त्रियों को तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मन लगा रहता है उस काम को देखने में, क्योंकि उस तन्मयता से वो उस काम को करते हैं. तो वही चीज़ हमारे फील्ड में भी है कि भाई आप जितना गहराई से जाएंगे, जितना अनुभव आप लेंगे, जितना काम आप करेंगे वो आपके बढ़ता जाता है. इसकी कोई सीमा नहीं कि अब मुझे 10 साल हो गए तो मैं मास्टर बन गया या 20 हो गए तो मास्टर बन गया. इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस एंड यू हैव टू लर्न डेली. सर कॉमेडी की बात करें तो हमने आज के समय में सब तरीके की कॉमेडी देख ली, हमने बहुत क्लासिफाइड कॉमेडी भी देख ली, हमने बहुत फूहड़ तक चले गए हम लोग बहुत डबल मीनिंग कॉमेडी का भी सहारा लेते हैं आजकल, जो जिसके लिए मूवीज़ हिट कराई जाती हैं. आपने जो सर कॉमेडी की है अभी तक, जो हमने आपके किरदार देखे हैं, और दैट इज़ वेरी रियलिस्टिक कॉमेडी, मीन्स ऐसा है कि किरदार ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो किरदार है. देखिए हमने जो सीरियल किया था ऑफिस वो 10 साल 8-10 साल करीब हमने किया, तो उसका आज भी लोग मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो YouTube में देख लेते हैं, या उसका उस सीरियल का कोई भी दर्शक मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे बोला हो कि ये वो गलत था या उसमें कुछ फुहरता थी या ऐसा था, या क्रिश का वो जस्ट इमेजिन वाला रोल था. वो दिल को छूता है कॉमेडी करने के लिए. मुझे नहीं लगता कि किसी भी वल्गैरिटी तक जाना चाहिए या डबल मीनिंग तक जाना चाहिए, क्योंकि मैं जिस प्रवृत्ति का हूँ या जिन संस्कारों में पला बड़ा हूँ, तो उस वक्त हम जब टीवी देख रहे होते थे परिवार के साथ तो उसमें कोई परिवार नियोजन का भी विज्ञापन आ जाता तो सब कट लेते थे इधर उधर.
है ना। सीरियसली तो वो अभी भी मेरे मन में मेरे भीतर है, वो हमारे घर में हम देख ही नहीं पाते, टीवी तो हम देख ही नहीं पाते। बट वो एथिक्स है। हाँ वो एथिक्स है। और जो आप बात कर रही हैं कि अभी जो दौर चल रहा है या ऐसा आज दिखाया जाता है, देखिए ऐसे कई लोग हैं जो अकेले या अपने दोस्तों के साथ महफिल में पार्टी में ऐसे कॉमेडी शोज को या डबल मीनिंग उसको बहुत पसंद करते हैं। वही आदमी जब घर जाता है अपने परिवार के साथ तो एकदम चैनल बदल लेता है। बिल्कुल सही। ये मानसिकता को बदलने की बात। ये हिपोक्रेट सोसाइटी है कि खुद पे आ रही है तब ठीक है, बाकी खुद के घर के लिए वो चीज़ परमिटेबल नहीं है। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे लगता बदलनी पड़ेगी। आप अगर सच में उसको नहीं देखना चाहते तो बिल्कुल आप अकेले में या दोस्तों के बीच भी उसको मत देखिए, उसका विरोध करिए। तो ऐसे सीरियल या ऐसे कलाकार फिर आएंगे ही नहीं। सो व्हाट आई हैव फेल्ट इज हम लोगों ने बहुत अच्छी सीरियल्स देखी हैं जिनकी इमॉर्टेलिटी, जैसे आपने बोला 8-10 साल तक आपने ऑफिस किया और हमें कभी भी नहीं लगा कि ऑफ़ेयर जाना चाहिए क्योंकि ये बोर कर रहा है। जैसे आजकल सीरियल्स सालों साल चलते हैं और पता नहीं कितने जन्म पे जन्म पे जन्म होते जाते हैं। सो क्या आपको लगता है टेलीविजन जो है वो घसीटा ज़्यादा हो गया रादर देन क्रिस्पी फन लविंग थिंग्स दैट यूज टू बी ऑफर्ड? दैट्स वाई हम लोग इतने सालों साल देखते थे क्योंकि वो हमें उतना मज़ा देता था या उतना एंटरटेनमेंट देता था। आपकी आपको लगता है ऐसा हो गया टेलीविजन आज? बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल हो गया। और मैं आपको सच बताऊँ, अब चूँकि आप बड़े ईमानदारी से मुझसे इन्वॉल्व होकर सवाल पूछ रही हैं तो मैं भी वैसे ही जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे घर में टेलीविज़न चलता ही नहीं। मैं होटल में भी जाता हूँ तो तौलिया टांग देता हूँ उस पर। मुझे 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं टीवी नहीं देख सकता। सीरियल तो मैं बिल्कुल ही नहीं देख पाता हूँ। मैं टीवी भी देखता हूँ, न्यूज़ चैनल भी, तो 5 मिनट के बाद मैं परेशान हो जाता हूँ क्योंकि वो चीज़ रिपीट होने लगती है अलग अलग तरीके से। और उसके बाद कहाँ मरे क्या घायल, ये खून, ये मतलब मानसिकता उस तरह की हो गई है, वो दुकानदारी इस तरह की हो गई है कि अच्छी चीज़ आप मत दिखाओ, आप बुरा जो हुआ मर्डर कहाँ हुआ लाइव दिखाओ उसको, या फलाना दिखाओ ये दिखाओ। तो थोड़ी देर के लिए जितना ज़रूरी है उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी टेलीविज़न बहुत ज़्यादा उसके ज़िंदगी का हिस्सा है। उसका ज़्यादा अगर आप करोगे तो उसका फिर आपके परिणाम ये कि डिप्रेशन है या आँख के रोग हैं या और तरह की बीमारियाँ आपको लगेंगी। सर एक्टिंग स्किल्स, बिकॉज आप बहुत उम्दा एक्टर हैं, मेरे हिसाब से आपने इस इंडस्ट्री को एनालाइज किया, आपके सामने बहुत यंगस्टर्स आते हैं स्ट्रगल करते हैं, हर बच्चे को एक्टर बनना है, कई लोगों की इच्छा होती है कि मम्मी पापा चाहते हैं कि बेटा तू दिखता बहुत अच्छा है तू एक्टर बनेगा, अच्छी बॉडी बनाते हैं, जिम में जाते हैं, बहुत अच्छे से वेल ड्रेसअप होते हैं, बट वो बेसिक एक्टिंग स्किल्स नहीं है कई लोगों में और वो फिर भी इंडस्ट्री में है, वो काम कर रहे हैं, दे हैव गॉट पोकर फेस, दे डोंट हैव एनीथिंग ऑन देयर फेस, दे आर लाइक कोई एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशन में सेम इमोशन, सब एक सेम। तो इन ऐसी इंडस्ट्री आगे जाके क्या डिजर्विंग लोगों को परेशानी होती, क्योंकि जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने 14 साल स्ट्रगल किया तो उनकी एक्टिंग को किसी ने सराहा नहीं कभी भी। नहीं, समय लगता है, पहले ही सराह देते तो शायद इतने पॉलिशिंग के साथ वो कर भी नहीं पाते। अपमान झेलना पड़ता है, ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ते हो। आपको अगर इस चैनल में नहीं है आप और यहाँ पर आपके आपने अपने आइडिया थोपने लगे और आपने बॉस के आइडिया नहीं लिए तो आपको डांट पड़ेगी, उसके बाद आपको लगेगा मेरी भी इंसल्ट हो गई, अब मैं नहीं करूँगी यहाँ काम, तो आप चली जाएंगी, हो सकता है कहीं दूसरी जगह काम करें या फिर छोड़ दें, फिर बोले मैं भी उस चैनल में एक थी। अगर आप यहाँ रहेंगी, टिकी रहेंगी और जो बोला है वो उसको फॉलो करेंगी, उस वक्त आपको अपमान लगेगा, लेकिन अगर उस लेयर को आप क्रॉस कर लेंगी तो एक दिन इसी जगह पर आप उस चैनल की बॉस बन जाएंगी। तो टिके रहना बहुत ज़रूरी है, लगे रहना बहुत ज़रूरी है। ये लेकिन ये बात अलग है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर आप भाग्यशाली हैं तो गुणवान लोग आपके चारों ओर रहेंगे ही रहेंगे जी। लेकिन जो इस फील्ड में आने चाहते हैं बच्चे, उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप पहले अच्छे पंडित जी से ज्योतिषी से कुंडली दिखा लो, अगर क्योंकि ये बात तो नहीं हो और जबरदस्ती ही चाह रहे हैं। हाँ, तो आप बिल्कुल जाइए और आपका स्वागत है, लेखन में जाइए, राइटिंग में जाइए, एक्टिंग में जाइए, जहाँ आप जाना चाहते हैं जाइए, और उसके बाद आप नहीं भी आपको आता तो करते करते आप सीख जाएंगे, पॉलिश हो जाएंगे आप जी। मतलब
मतलब धीरे धीरे बाय फार मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बढ़कर भी एक जो क्वालिटी वर्क होता है उस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है ना, हमने भी कई गलत काम किए हैं या अमेच्योर लोगों के साथ काम किए जिनको कुछ नहीं आता, उनके साथ भी काम किया। उसका रीज़न ये कि हमारे पास कोई कलाकार के पास चॉइस तो होती नहीं है, तो पता लगा कोई पान वाला भी फिल्म बना सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, बनाने दो, हमें काम करने का मौका मिला तो करना चाहिए। लेकिन एक समय के बाद आपको ये सब अनुभव देने के बाद, ये सब चीज़ों से आप जो सीखते हैं उसके बाद आप जो काम करते हैं वो एकदम पॉलिश्ड होता है, क्योंकि आपको मालूम है वो नहीं करना है। जी सर, आपने इतने साल काम किया, यू हैव अ बंडल ऑफ मेमोरीज, आप अगर आज बैठते होंगे तो बहुत सोचते होंगे कि यार ये हुआ ये हुआ, ये करा ये करा, सम गुड डिसीजन सम बैड डिसीजन, बट कई मेमोरेबल मेमोरीज होंगी आपकी। कोई एक मेमोरी आपको याद आती है जब आप ऑफिस करते थे, या कभी भी आपका कोई कैरेक्टर लेकर लोगों को, किसी आपके फैन ने आपको बहुत स्पेशल फील करवाया हो, या फिर आपके किसी घर वाले ने आपके सामने कोई ऐसी बात बोल दी हो? किससे तो हजारों होते हैं कि दिल्ली में शूटिंग कर रहा था, एक फैन मुझे घड़ी दे के चला गया, या लोगों का चाहत जो है ना, क्या होता है कलाकार और नेता और अभिनेता में ये अंतर है कि नेता जब तक सत्ता में है उसके पीछे गाड़ियाँ, लाल बत्ती, नीली बत्ती, हरी बत्ती, सब बत्तियाँ, लोग, पुलिस, चमचे सब होते हैं। कलाकार के पास ये होता है कि आप अकेले भी आप लंदन की सड़कों में घूमते हैं तो हेलो पांडे जी बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, बाद में पता लगता है कि वो इंडिया का नहीं है, बांग्लादेश का है या पाकिस्तान का है। सीमाएं भी तोड़ देता है कला। तो ये हजारों इस तरह के वाक्य हैं, फ्लाइट में होते हैं या जब ट्रेन में सफ़र करा करते थे तो है। क्या होता है कि वो जो लोगों का प्यार होता है वो निश्चल होता है, उसमें उनका यही होता है कि मतलब क्योंकि उस हमको इतने सालों से टीवी पे देखे रहते हैं कि वो छूते हैं हमको, टच करते हैं या बात करते हैं nice. या घर वालों से बात कराते हैं, और शेयरिंग होता है। ये कलाकार को देखने का जो अनुभव होता है ना, आप कभी ख्याल कीजिएगा, दो लोग अगर हैं और उन्होंने किसी एक्टर को देख लिया या हीरोइन को देख लिया, हीरो को देख लिया, तो वो उन्होंने देख लिया, अरे अरे ये तो वो है ना, हाँ, तो इसको भी बताना ज़रूरी है। जी तो ये सुख इसी काम में मिलता है, इसके लिए मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने हमें ऐसे काम के लिए चुना है। और बाकी जहाँ तक सिनेमा या फील्ड की या एक्टिंग लाइन या किसी भी चीज़ की के बारे में कम शब्दों में मैं कहूँ तो वो ये कि भाई इस फील्ड में चाहे आप राइटर आएँ, प्रोड्यूसर आएँ, डायरेक्टर आएँ, एक्टर आएँ, इस फील्ड में असफल होने की गारंटी है और फिर सफलता सफल होने के चांस है। चांस है, ओह व्हाई सर, ये तो स्टेटस है, असफल होने की गारंटी होती है और सफल होने के चांस होते हैं। सर ये तो आपने बात बहुत, कहते हैं ना, सो आने वाली बात कर दी आपने, अब तो सो आने खैर लगते नहीं है, पर सो आने वाली बात है। सर जाते जाते, दिस इज़ हैथवे बीटीवी हुआ, यंगस्टर्स बेस्ड चैनल, हज़ारों लोग यहाँ से मुंबई जाते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, अपने जीवन का एक मोड़ रहता है उनका जब उनको डिसीजन लेना होता है, उन यंगस्टर्स को एक एडवाइस या मैसेज आप आपकी तरफ से बींग सीनियर इन टू दिस इंडस्ट्री आप देना चाहें? आइए, आपका स्वागत है, किसी की कोई रोक टोक नहीं है, ये फील्ड ऐसा है, मुंबई शहर तो ऐसा है कि जहाँ रात को 2 बजे भी लड़के लड़कियाँ खुलेआम घूम सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बंधन नहीं है। बस आपका नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए, लड़की के रूप में हो चाहे लड़के के रूप में, क्योंकि गलत रास्ते पहले मिलते हैं, अच्छे रास्ते उसके बाद मिलते हैं, आप उनमें ही खो गए, लिप्त हो गए तो आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। ये साधना है, ये तपस्या है, योग है, ये एक प्राप्ति का भाव है, तो वो उसके लिए साधना आपको जरूरी है, आपको पेशेंस जरूरी है, धैर्य जरूरी है, लगे रहिए। बिल्कुल सही सर। सर आज आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, मैं तो मेरे पापा ऑफिस का एक भी शो नहीं छोड़ते थे क्योंकि वो भी प्रशासनिक सर्विस में थे और वो देखते थे और समझते थे, बट सीरियसली आप इंस्पिरेशन है हम यंगस्टर्स के लिए, और आप ऐसे हमेशा फॉर एवर यंग रहें, यही हमारी इच्छा है। थैंक यू सो मच सर।